Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing a very important topic of forensic medicine and toxicology jo ki examination mein 20 marks question mein kai baar pucha jata hai and that is post-mortem staining. Theek hai, post-mortem staining ka alternate term jo kai baar पूछा जाता है दैट इज लिवर मोर्टिस. ठीक है, ये आपके वाइवा में भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर एंड ऐसे भी आपको लिवर मोर्टिस के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, अब अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो हाइपोस्टैसिस, ल्यूसिडिटी, कॉग्निशन, विबाइसिस, सगलिगेशन, ये सारे कुछ ऐसे टर्म है या फिर डार्कनिंग ऑफ द डेथ जो की पोस्टमार्टम स्टेनिंग या फिर पोस्टमार्टम लिविडिटी के साथ कंपेयर किया जाता है. ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है दैट पोस्टमार्टम स्टेनिंग, लिवर मोर्टिस और पोस्टमार्टम लिविडिटी, इन तीनों से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, स्टेनिंग का क्या मतलब होता है, किसी चीज में कलर आ जाना. ठीक है, तो पोस्टमार्टम दैट मीन्स आफ्टर द डेथ अगर पर्पलिश रेड या फिर ब्लूइश कलर की स्टेनिंग हो जाती है बॉडी में. क्यों होती है? क्योंकि जो ब्लड है कैपिलरीज में या फिर वेन्यूल्स में वो वहीं रह गए, अब वो फ्लो नहीं कर रहे हैं और अब वो क्या करेंगे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेटल डाउन हो जाएंगे एंड दैट इज नोन एज लिवर मोर्टिस. ठीक है, साइट क्या होती है, ज्यादातर बॉडी के जो अंडर सरफेस है स्किन का, ठीक है, या फिर सुपरफिशियल लेयर ऑफ डर्मिस है, उसमें ये चीज हमें देखने को मिलती है. कॉज क्या है, मैंने आपको अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है दैट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी कैपिलरीज और वेन्यूल्स है उसके ब्लड जब नीचे की तरफ सिंक कर जाएंगे तो वो कॉज कर देंगे बॉडी में कलर या फिर स्टेनिंग और हम उसे कहते हैं पोस्टमार्टम स्टेनिंग या फिर पोस्टमार्टम लिविडिटी. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ पीएम स्टेनिंग. ठीक है, तो इन अर्ली स्टेजेस 30 मिनट से 1 आवर में डिसकलर्ड पैचेस अपीयर होने लगते हैं. ठीक है, लेकिन फिर 3 से 4 घंटे में स्मॉल पैचेस जो होते हैं वो बड़ी साइज के हो जाते हैं एंड फाइनली वेल डेवलप्ड हो जाती है ये 5 से 6 घंटे में. ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है. When lividity is developing, applying thumb pressure against the skin for few seconds will cause blanching. When the pressure is released, lividity will reappear. ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो कि अगर कोई ब्लड है वेसल में जिसकी वजह से जो सरफेस है वो ब्लूइश दिख रहा है तो आप अगर उस पर प्रेस करोगे तो उस टाइम उस वेसल का ब्लड पीछे चला जाएगा और वो एरिया ब्लांच्ड हो जाएगा. दैट मींस वो पेल अपीयर होगा लेकिन थोड़ी देर बाद ब्लड वहां पे वापस आ जाता है. ठीक है, इट बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर डेथ, डेथ के तुरंत बाद ये स्टेनिंग अपीयर होना शुरू हो जाती है लेकिन स्मॉल पैचेस में ही होती है. ठीक है, फिक्सेशन कैसे किया जा सकता है, आफ्टर कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ पोस्टमार्टम स्टेनिंग द बॉडी इज इन undisturbed, the stain gets fixed in 8 to 12 hours. ठीक है, तो 8 से 12 घंटे में जो पूरी बॉडी है वो पोस्टमार्टम स्टेन्ड हो जाती है. दैट मीन्स उस पूरी बॉडी में जो स्किन है जो कि ग्राउंड के अगेंस्ट प्रेस्ड है, ठीक है, या फिर ग्रेविटी की फोर्स से जो नीचे की तरफ है वहां पर स्टेनिंग हो जाती है. ठीक है, इफ द पोजिशन ऑफ द बॉडी इज ऑल्टर्ड आफ्टर फिक्सेशन द स्टेनिंग विल नॉट चेंज एंड रिमेन एज सच. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बॉडी में स्टेनिंग हो गई तो अब आप पर्सन को हिला रहे हो तो वो स्टेनिंग दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, ना ऐसा नहीं होता है. जो स्टेनिंग है वो जिस डायरेक्शन में है जहां पर है वो वहीं पे ही रह जाती है. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएम स्टेनिंग. तो अगर जो बॉडी है उसकी पोजीशन जैसी है उस पे ये चीज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है. ठीक है, अगर कोई बॉडी लाई कर रही है सुपाइन पोजीशन में तो उसका जो पीछे का एरिया है, ठीक है, कौन कौन सा एरिया, ऑक्सीपिटल मतलब सर वाला, शोल्डर एरिया, बटक्स, जो भी थाइस है, काल्स है, हील है, वो सारा एरिया डू नॉट शो एनी स्टेनिंग अपीयर रादर पेन. ठीक है, तो वो जो पीछे वाला एरिया है वो सुपाइन पोजीशन में पर्सन अगर रहेगा तो वो अपीयर में यहाँ इन सारे एरियाज में स्टेनिंग अपीयर नहीं होती है, उसी एरिया में होती है जो कि डायरेक्ट ग्राउंड के अगेंस्ट जो है
वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इफ द बॉडी इज लाइंग इन प्रोन पोजिशन, ठीक है, जैसा कि ये पर्सन लाइक कर रहा है कि लिखा हुआ है, अगर बॉडी जो है वो प्रोन पोजिशन में लाइक करती है तो द आईज में बी सफ्यूज्ड और कई बार कंजक्टिवल हीमरेज भी मिलता है, ठीक है। तो अगर बॉडी जो सीधी लेटी है, पीठ के बगल अगर कोई पर्सन लेटा हुआ है तो उसकी बॉडी में जो पीठ वाला एरिया है, शोल्डर है, बटक्स है, थाइज है, हील्स है, उन रीजन में स्टेनिंग होती है। अगर कोई पर्सन उल्टा लेटा हुआ है तो उसकी आंखों में ऐसा देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी है दैट इज लाइंग ऑन वन साइड तो ब्लड उस तरफ ही सेटल हो जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके फीचर्स या फिर मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, बेसिकली जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कलर हमने सबसे पहले देख लिया कि पर्पलिश रेड होता है, ठीक है। मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, ये साइन है डेथ की। टाइम सिंस डेथ को पता करने में देखिए, मैंने ऑलरेडी अभी तक FMT के बहुत सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। इन दैट वी हैव स्टडीड अबाउट एल्गर मॉर्टिस, रिगर मॉर्टिस ऑल्सो, वो दोनों भी साइन ऑफ डेथ है, वो भी टाइम ऑफ डेथ को एस्टिमेट करने में हमारे काम आता है, ठीक है। ये पॉस्चर ऑफ बॉडी को भी बताती है कि किस पोजिशन में बॉडी की डेथ हुई थी, ठीक है। अगर कोई बॉडी को आफ्टर सम टाइम एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन में चेंज किया गया है तो वो चेंज भी हमें दिखता है, ठीक है। कई बार कंजेशन भी देखने को मिल सकता है, ब्रूसेस अपीयर हो सकते हैं, कई बार स्टेनिंग को हम लोग ब्रूसेस से कंफ्यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। कई बार हीमरेजिक स्पॉट्स के फॉर्म में भी ये चीज अपीयर हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्या लिखा हुआ है, सम एक्सट्रेनियस कलर और स्टेन मे बी मिस्टेकन फॉर PM स्टेनिंग, लेकिन उसका डिफरेंस क्या होता है, कोई बाहर का अगर कलर है तो हम उसे वॉश आउट कर सकते हैं, बट PM स्टेनिंग जो होती है, पोस्टमार्टम स्टेनिंग, पोस्टमार्टम लिविडिटी या फिर लिवर मॉर्टिस, हम उसको वॉश ऑफ नहीं कर सकते। वो सिर्फ हम फिंगर प्रेस करेंगे तो वो उस टाइम चली जाएगी, पर फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड लिवर मॉर्टिस। आपको ये समझना बहुत जरूरी है, वाइवा का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स क्वेश्चन ने शॉर्ट नोट्स में बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में लिखने को बोला जाता है, आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, साइट लिखना होगा, इसका कॉज लिखना होगा, बॉडी में कहां पे ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो लिखना होगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू विल हैव टू राइट द मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन FMT, ठीक है। FMT में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको उसकी मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी और वीडियो शेयर करूं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस द अपकमिंग अपडेट्स, सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बॉडी एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।